काफ़ी बड़ी मशक्क़त के बाद मुझे पाव भाजी वाले की शॉप मिली है, बिकॉज़ यहाँ पे जितनी शॉप है आर के बीच में सारी बंद है। मुझे प्रॉपर डाइट फूड चाहिए था बट वो मिल नहीं रहा है, लग रहा है मुझे यहाँ भूखे ही रहना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पाव भाजी से पेट भर लिया जाए अपना। एंड आर के बीच बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा है, ठीक है। सो पेट पूजा के बाद मैं आर के बीच पे जाऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ड्राइव का अगर ऑप्शन होगा तो ट्राई करूँगा। ज़बरदस्त पेट पूजा करने के बाद मैं आ चुका हूँ आर के बीच पे। बहुत ही खूबसूरत है, मतलब आर के बीच काफ़ी बड़ा, मतलब पूरा एरिया कवर करता है ये, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे ना सब कुछ बंद किया हुआ है, मतलब खाने की जितनी शॉप थी सारी बंद है, ट्रैवलिंग बंद है। मतलब यहाँ पे अगर मेरे को मोटर बाइक ट्रैवल करना है तो मेरे को वहाँ ऋषिकोंडा ही जाना पड़ेगा, तो ऋषिकोंडा जा रहा हूँ मैं दोबारा। और खाया है, बहुत टेस्टी था पाव भाजी एंड गोलगप्पे मैंने खाया, भाई मज़ा आ गया, पेट भर गया, क्योंकि दोपहर में लंच नहीं किया था। तो अब आर के बीच पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, शाम का टाइम है, थोड़ा सनसेट होने ही वाला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अब यहाँ से निकल के ऋषिकोंडा जा रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा बोट ड्राइविंग करूँगा, उसके बाद फिर मैं निकलूँगा यहाँ से, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे जल्दी। कैमरे को काफ़ी देर मिलाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ ऋषिकोंडा बीच पे, वहाँ से मैं बाइक के स्कूटर राइड करूँगा एंड से अपना व्लॉग ख़त्म। पकड़ 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 जल्दी पकड़ पकड़ आओ। तो ये थोड़ा डार्क है, मतलब यहाँ पे मैं गया था तो पानी मतलब जमीन से बिल्कुल निकल रही थी, काफ़ी लहरें हैं, बहुत ऊँची ऊँची हैं आगे, ठीक है। तो मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे वहाँ पे बिकॉज सनसेट शूट करना है, तो मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकलूँगा, ठीक है। तो ये था आर के बीच का नज़ारा, ब्यूटी बहुत अच्छी है, मतलब हर एक जगह की अपनी अपनी खास बात है। ये दिल्ली का वो जो अपना मुंबई का मरीन ड्राइव है ना, सेम वैसे ही है, बट यहाँ पत्थर नहीं है, यहाँ नारियल के पेड़ है, काफ़ी अच्छी जगह, बहुत मज़ा आया यहाँ पर पानी पानी खेल के। तो भैया आर के बीच का व्लॉग हो गया यहीं ख़त्म, और हम अपनी आधी अधूरी राइड को पूरी करने के लिए पहुंच गए ऋषिकोंडा बीच। तो देखिए आगे कौन सा कांड हुआ हमारे साथ। वो हमारी जो शिप है ना, बोट ड्राइविंग के लिए क्या है, यहाँ पे टाइम होता है शायद, मुझे मालूम नहीं था, बट काउंटर अभी क्लोज हो चुका सामने से स्पीड बोट की जो ड्राइविंग है उसके लिए। तो इन्होंने कुछ जुगाड़बाजी करके कह रहे कि हाँ कर देता हूँ एक बंदे के लिए, देखो होता है कि नहीं, अगर नहीं तो मेरा सपना सपना रह जाएगा, ठीक है। इतना दूर आया एंड फिर भी मैं स्पीड बोट राइड नहीं कर पाया तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स सी कि ये होता है कि नहीं हो पाता है, एंड आई होप हो जाना चाहिए। आप लोग दुआ करो मेरे लिए, आजकल दुआ करो मेरे लिए, हो जाएगा वैसे तो मुझे नहीं लगता। फाइनली हो गया, हाँ मैं अभी देता हूँ आपको आने को। तो अब मैं जा रहा हूँ बैठने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार, तो थोड़ा सेफ रहना आपको।
ओके सो फाइनली भी मैं बैठ गया। आप तो कह रहे हो सर फोटो के लिए। किसने कहा पैसे में ताकत नहीं होती, बहुत ताकत होती है, बस खर्च करने का तरीका पता होना चाहिए आप लोगों को। तो मेरा वाइजैक का भी लोग ख़त्म यहाँ पे, मेरी जो बोट राइड थी वहाँ से ख़त्म, एंड मैं ऋषिकोंडा के बीच पे था इस टाइम। तो यहाँ से मैंने फाइनली अपनी जो स्पीड बोट की जो राइड थी वो कंप्लीट कर ली है। सो मैं अब बस जा रहा हूँ बस पकड़ने, थोड़ी देर में बस अराउंड 6 बज गए हैं, तो मैं आधे घंटे के अंदर निकल जाऊँगा, देन विल ट्रैवल फॉर हैदराबाद। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ आपसे हैदराबाद, तब तक के लिए बाय बाय।